वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्र में आपको रिफाइंड ऑयल का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। इस टॉपिक पर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। नवरात्र में 9 दिनों तक पूजा पाठ व व्रत रखने की मान्यता होती है। कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत तो रखते हैं पर उन्हें व्रत में भोजन को सही तरीके से खाने की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ सकती है। व्रत में जो भी हम भोजन खाते हैं वो सादा और आसानी से पचने वाला होता है। इस दौरान कई चीज़ों का सेवन ना करने की सलाह भी दी जाती है। व्रत में रिफाइंड ऑयल का सेवन करने से कई तरीके के नुकसान होते हैं। व्रत में रिफाइंड ऑयल के सेवन से बचना चाहिए। रिफाइंड ऑयल की बात करें तो उसे अलग अलग बीजों से निकाला जाता है, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल और सोयाबीन का ऑयल, इनसे रिफाइंड ऑयल को निकाला जाता है। रिफाइंड ऑयल का स्मोकिंग जो पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे गर्म टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। रिफाइंड ऑयल हेल्दी फैट की श्रेणी में नहीं आता है, यह आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर व्रत में आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं तो आपको थकान व पाचन की समस्या हो सकती है। व्रत में कई सारी चीज़ें तलकर खाई जाती हैं, जैसे कुट्टू की पूड़ी, साबूदाना वड़ा, आलू के चिप्स। इन चीज़ों को रिफाइंड तेल में तलकर खाने से पेट में गैस व अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ब्लॉटिंग, डायरिया के लक्षण भी नज़र आ सकते हैं। हार्ट के लिए रिफाइंड ऑयल वैसे भी फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। अगर आपको ऑयल यूज़ करना ही है तो आप दिन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्रत में तलने या सब्जी पकाने के लिए तेल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके नुकसान से बचने के लिए उसकी क्वांटिटी तय करनी है आपको। 2 से 3 टेबलस्पून ही यूज़ करें। पूरी खाने के बजाय कम तेल का पराठा पका सकते हैं, इससे आपकी सेहत को कम नुकसान होगा। भूख के कारण जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उन्हें रिफाइंड तेल से दूरी बरतनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम किस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उसकी जगह पर देसी घी का यूज़ करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि घी का यूज़ किसी चीज़ के तलने में ना करें, इसमें स्मोकिंग पॉइंट कम होता है। आप इसे सब्जी, दाल, रोटी, पराठे पर डाल सकते हैं। घी के अलावा सफ़ेद मक्खन, बादाम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कुछ भून कर या तल कर खाना है तो आप सोयाबीन, मूंगफली, सरसों का तेल सीमित मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिफाइंड ऑयल के सेवन का व्रत में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बाय बाय।